अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंची तो ऐसी तस्वीरें सामने आनी ही थी। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के खिलाफ साजिश करार दे रहे थे तो विरोधियों का साफ कहना था कि केजरीवाल को भ्रष्टाचार की सजा मिलेगी। सियासी वार पलटवार के बीच अचानक सामने आए आम आदमी पार्टी के नेता और कर दिया एक बड़ा दावा। जेल से चलेगी सरकार। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। जेल से सरकार, ये दावा कर आम आदमी पार्टी ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल अदालती आदेश तक तो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुआ हो और फिर जेल से ही सरकार चलाने का दम भरा गया हो। लेकिन जेल से सरकार चलेगी किस तरह, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल अदालत गिरफ्तारी को दोष सिद्धि नहीं मानती, यानी केजरीवाल इस्तीफा देने को बाध्य नहीं है। हम लोगों ने सारे विधायकों से सलाह की, सारे काउंसलर से सलाह की, दिल्ली के एक एक वार्ड के अंदर हमने सभा की। सबका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है, दिल्ली की जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, तो अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। जेल के अंदर से भी अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के नेता। अब सवाल है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या जेल के भीतर से ही सरकार चलाएंगे। आखिर कानून में इस मामले में कानूनी प्रावधान क्या है? गिरफ्तारी पर इस्तीफा देने की कोई बाध्यता नहीं है, गिरफ्तारी होना दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या जेल से सरकार चलाना प्रैक्टिकल होगा? क्या जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप माना जाएगा? अरविंद केजरीवाल जेल जाने पर भी कानून के दायरे में सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद त्याग पत्र नहीं देने से राज्य सरकार में संवैधानिक संकट हो सकता है। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी भी काफी अहम है। मद्रास हाईकोर्ट ने जेल जाने के बावजूद मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करने पर राज्य सरकार की आलोचना की थी। आज तक ऐसा कोई उदाहरण भी सामने नहीं आया है जब किसी नेता को कोर्ट ने कोई सरकारी या राजनीतिक बैठक करने की अनुमति दी हो। जेल में बंद विचाराधीन कैदी के रूप में बंद सांसद, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है, लेकिन जेल से मीटिंग नहीं कर सकता। जेल में रहने के दौरान सीएम किसी फाइल पर दस्तखत करते हैं तो वह अवैध माने जाएंगे। प्रॉपर कोर्ट की परमिशन से की गई कार्यवाही ही वैध मानी जाएगी। सलाखों के पीछे से सरकार चलाने के ऐलान के साथ पलटवार भी आया, सीधे केजरीवाल को टारगेट करते हुए। जब उनके जांच में शामिल होने की बारी आई, जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और कोर्ट राहत नहीं दे रही है, तो कह रहे हैं कि जेल से हम सरकार चलाएंगे और जांच में शामिल नहीं हो पाएंगे, और ये तब जबकि कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि कोई सबूत नहीं मिला, एक रुपया नहीं मिला, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, तो क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से काम करता है? अब समझ लेते हैं कि जब दूसरे मुख्यमंत्रियों के सामने ऐसा वक्त आया तो उन्होंने क्या किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से पहले अपना त्याग पत्र दे दिया और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले लालू प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी को सीएम बना दिया था। टीम न्यूज नेशन।